दोस्तों, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो फ्री यूपीएससी कोचिंग होती है उसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। चलिए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सिलेक्शन किस तरह से होता है। तो ये हमने नोटिस डाउनलोड कर लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और फॉर्म भी भर सकते हो। अच्छा, ये जो फॉर्म है ये निकले हैं फ्री कोचिंग विद हॉस्टल फैसिलिटी फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2022-23 फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए हैं और SC/ST के लिए हैं और वुमेन के लिए हैं। इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो एप्लीकेशन 16 मई से शुरू हुए हैं, 15 जून तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसमें फ्री कोचिंग के लिए पहले आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, जो एंट्रेंस क्लियर कर लेता है उसी को ये फ्री कोचिंग प्रोवाइड करी जाती है। तो एंट्रेंस की बात करूँ तो रिटर्न टेस्ट होगा आपका 2 जुलाई को 10 बजे से लेकर सुबह 11 बजे। आपका जनरल स्टडीज़ में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा और जो आपका रिटर्न टेस्ट में ऐसे टाइप होता है वो 11 से 1 बजे के बीच होगा। रिज़ल्ट इसका टेंटेटिव है 25 जुलाई को आएगा। इसके अलावा इंटरव्यू होंगे फिर आपके 1 से 8 अगस्त तक, फिर फाइनल रिज़ल्ट आपका 10 अगस्त को आएगा और बाकी जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ हैं वो 16 अगस्त तक आपको कंप्लीट करनी है। बाकी वेटिंग लिस्ट वगैरह उनका 17 अगस्त और 19 अगस्त को उनका शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। क्लासेस इसकी 22 अगस्त से शुरू होंगी। अच्छा, एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड एट 10 सेंटर्स। द सेंटर्स आर दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, गुवाहाटी, पटना, बेंगलुरु एंड मलप्पुरम। तो इन जगह पे सेंटर्स होगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो सेंटर का प्रेफरेंस आपको देना होगा। अब बात करते हैं इसकी डिटेल गाइडलाइंस की। तो जो आपका टेस्ट होगा जिसके थ्रू आपको इस कोचिंग में, फ्री कोचिंग में एडमिशन मिलेगा, इस टेस्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे यूपीएससी मॉडल के। इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों लैंग्वेज में टेस्ट आएगा। अपार्ट फ्रॉम इट जो आपका एसे राइटिंग होगा वो भी इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों लैंग्वेज में होगा। टू टेस्ट कैंडिडेट नॉलेज ऑफ जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वुड बी 3 आवर्स। टोटल 3 घंटे का टाइम, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा टेस्ट के लिए, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, 10 से 11 आपका जनरल टेस्ट MCQ है, एसे राइटिंग आपका 2 घंटे का है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा देयर वुड बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन द टेस्ट, 1/3 ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड। जो आपका सेक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप वाला है उसमें 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। एंट्रेंस टेस्ट पेपर वुड बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। एंट्रेंस टेस्ट का जो पेपर है 2 पार्ट्स में होगा, Part 1 और Part 2। Paper 1 जो होगा उसमें ओएमआर बेस क्वेश्चन आएंगे और देयर वुड बी 60 क्वेश्चन एंड द टोटल मार्क्स फॉर द सेक्शन वुड बी 60, यानी कि 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आपके रहेंगे, 1/3 आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे Part 1 में। Part 2 जो होगा आपका एसे राइटिंग होगा, फॉर विच द टोटल अलॉटेड मार्क्स वुड बी 60। Part 2 के लिए भी 60 मार्क्स आपको दिए जाएंगे और आपको 2 एसे इसमें लिखने हैं, 30-30 मार्क्स का एक एसे रखा गया है। ठीक है, द टोटल टाइम अलॉटेड फॉर बोथ द पेपर वुड बी 3 आवर। दोनों पेपर को मिला के 3 घंटे का आपका पेपर होगा। हाउएवर ओएमआर शीट वुड बी कलेक्टेड आफ्टर 1 आवर। जो ओएमआर शीट होगी आपकी वो 1 घंटे के बाद कलेक्ट कर ली जाएगी। बाकी जो एसे राइटिंग के लिए उसके 2 घंटे आपको मिलेंगे। एसे ऑफ टॉप 900 स्टूडेंट विल बी इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द MCQ मार्क। जो आपका Paper 1 होगा उसके बेसिस पर 900 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका जो Paper 2 है, जो ऐसे है, वो इवेल्युएट करा जाएगा। इंटरव्यू वगैरह जो होगा, पर्सनालिटी टेस्ट, उसको 30 मार्क्स का है और अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स सेम रहते हैं तो इंटरव्यू के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर इंटरव्यू के मार्क्स भी सेम हैं तो जिसकी एज यंग होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसा कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी अवेल द फैसिलिटी ऑफ RCA JMI फॉर 3 ईयर्स एंड हैज़ नेवर अपेयर फॉर अ सिविल सर्विसेज इंटरव्यू UPSC विल नॉट बी एलिजिबल। यानी कि ऐसा कैंडिडेट जो 3 साल तक जामिया RCA की सर्विस ले चुका है और इंटरव्यू नहीं दिया उसने, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है वही इसमें एलिजिबल हैं, फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम में, लेकिन ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, फाइनल ईयर वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कोचिंग विल इंक्लूड क्लासेस ऑन जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में क्लासेस होंगी, CSAT होगा एंड सिलेक्टेड ऑप्शनल पेपर, जो भी आपने पेपर सेलेक्ट किया होगा उसमें आपकी क्लासेस दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज़, आंसर्स इवेल्यूशन एंड एसे राइटिंग प्रैक्टिस, जितनी भी सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एक पर्टिकुलर कोचिंग में, वो सब आपको दिए जाएंगे। द अकेडमी विल ऑल्सो कंडक्ट मॉक इंटरव्यू भी आपके किए जाएंगे और टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स विल बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 2023 टू अप्रैल 2023।
एयर सीरीज मेंस विल बी हेल्ड फ्रॉम जून टू सितंबर 2023। बाकी एयर कंडीशनर लाइब्रेरी फैसिलिटी है, तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अवेलेबल सीट्स आर 100। हॉस्टल अकोमोडेशन इज़ कंपलसरी एंड विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द एडमिटेड स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट इसमें अवेल करेगा फैसिलिटी, तो उनको हॉस्टल अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करा जाएगा। इन केस ऑफ शॉर्टेज हॉस्टल सीट्स मे बी अलॉटेड इन अ फेज मैनर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट डिटर्मिनेशन बाय द एंट्रेंस टेस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स के बेस पर भी हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कराए अगर वहाँ पर शॉर्टेज होती है तो। बाकी अ मेंटेनेंस चार्ज ऑफ ₹1,000 पर मंथ टू बी पेड इन एडवांस फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, दैट इज 6,000, एंड मेस चार्जेस इन द रेंज ऑफ 2,500 to 3,000 पर इन एडवांस एवरी मंथ। द हॉस्टल गाइडलाइंस विल बी इशूड सेपरेटली एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये कुछ चार्जेस भी हैं जो कि आपको पे करने पड़ेंगे हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए। स्टूडेंट शुल एडर टू द हॉस्ट, बाकी हॉस्टल रूल को आपको फॉलो करना है, वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है। एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी ऑनलाइन फॉर्म की, वो ₹850 है, ठीक है। बाकी कुछ फर्दर डिटेल हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इस लिंक पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एडमिशन के सेक्शन में आप देखोगे क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर कोचिंग एंड करियर प्लानिंग, इस पर आप क्लिक करोगे और पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे और फिर लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर दोगे। पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी आईडी एक्टिवेट करनी है, देन साइन इन करके फॉर्म फिल कर दोगे। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट थी। ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।